इस मुल्क की तस्वीर बदलते चले गए, इस मुल्क की तस्वीर बदलते चले गए, सिर पे कफन जो बांध मचलते चले गए। सच बोलने से देखिए डरने लगे हैं लोग, सच बोलने से देखिए डरने लगे हैं लोग, सच बोलने से देखिए डरने लगे हैं लोग, अपनों से अपने आप ही जलने लगे हैं लोग, अपनों से अपने आप ही जलने लगे हैं लोग, और जमाने की मोहब्बत को नजर किसकी लगी है, जमाने की मोहब्बत को नजर किसकी लगी है, आपस में लड़के अब तो बिखरने लगे हैं लोग, आपस में लड़के अब तो बिखरने लगे हैं लोग। तो ये वैलेंटाइन डे तो हर रोज होना चाहिए, इसका उत्सव हर रोज होना चाहिए कि पड़ोसी पड़ोसी से न लड़े, भाई भाई से न लड़े, बाप बेटे से न लड़े। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 14 फरवरी एक तरफ वैलेंटाइन डे का माहौल दिखाता है तो दूसरी तरफ पुलवामा हमला और दूसरी तरफ इतिहासकार हमारे भारत के वीर जवान भगत सिंह और साथ संत वैलेंटाइन को भी फांसी दी गई थी। इसीलिए 14 फरवरी को एक बहुत ही अनोखा माना जाता है और यादगार के रूप में 14 फरवरी को इतिहास में लिखा जाता है। आज हम जुड़ेंगे रचनाकार, साहित्यकार और अपने स्वरों से सजाने वाले, महफिल को चकाचौंध करने वाले, अगर कप्तानगंज क्षेत्र अंतर्गत, जनपद कुशीनगर क्षेत्र अंतर्गत कोई भी बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है तो वहाँ पहुँचकर अपने स्वरों से, अपने शब्दों से, अपने शास्त्रों से पूरे महफिल को चकाचौंध करने वाले हरे कृष्ण पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज का जो दिन है इतिहास में बहुत ही अनोखा दिन है। हम आज हरे कृष्ण पांडे जी से मिलेंगे और जाने का प्रयास करेंगे आज के दिन को लेकर वह अपने शब्दों से क्या बताना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक हैं। सबसे पहले तो आपके इस न्यूज़ चैनल के प्रति बहुत बहुत हम आभारी हैं कि आज साक्षात्कार के लिए आप पधारे। 14 फरवरी का दिन सबसे पहले तो देश के उन वीर सपूतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज ही के दिन सरदार भगत सिंह और वीर सावरकर को फांसी की सजा दी गई थी। साथ ही जम्मू के श्रीनगर में पुलवामा आतंकी हमला आज ही के दिन हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। साथ ही आज वैलेंटाइन डे है, युवा पीढ़ी जिस तरह से आज प्रेम के इस उत्सव को मना रही है तो सबसे पहले हम अपने देश के वीर सपूतों के प्रति चार पंक्तियां निवेदित करेंगे और उन्हें सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये बंद निवेदित करता हूं कि इस मुल्क की तस्वीर बदलते चले गए, इस मुल्क की तस्वीर बदलते चले गए, सिर पे कफन जो बांध मचलते चले गए, सिर पे कफन जो बांध मचलते चले गए, और सरहद की हिफाजत में जो सब कुछ लुटा दिए, सरहद की हिफाजत में जो सब कुछ लुटा दिए, दुश्मन से सीना तान वो लड़ते चले गए, दुश्मन से सीना तान वो लड़ते चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बंद निवेदित करूंगा जो युगल प्रेमी पूरा आज विश्व वैलेंटाइन डे के उत्सव में सराबोर हो रहा है और आज
का जो उत्सव है वह प्रेम का उत्सव है, प्रेम के इजहार का उत्सव है। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि इसमें नायक नायिका या जिससे जो प्रेम करता है उसके मन में क्या उत्कंठा होती है, चार पंक्तियों में वर्णित करता हूं, इसको लिखने का प्रयास किया हूं कि बिन देखे तुमको मुहूर्त न बनता, बिन देखे तुमको मुहूर्त न बनता, बिन देखे तुमको मुहूर्त न बनता, अनमना समन बोझिल अब नहीं संभलता, अनमना समन बोझिल अब नहीं संभलता, कैसे ये बताऊं, कैसे ये बताऊं और छुपाऊं भी तो कैसे, तेरी एक झलक खातिर दिल बहुत मचलता, तेरी एक झलक खातिर दिल बहुत मचलता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतर सर ने अपने स्वरों में इसे सुनाया, और मैंने पहले भी बताया था कि अगर जनपद कुशीनगर में कोई भी भव्य कार्यक्रम होता है तो सर की वहाँ उपस्थिति होती है और अपने स्वरों से महफिल को पूरा चकाचौंध करते हैं। सर को, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो युवा, ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने नगमे के द्वारा? देखिए, आज की युवा पीढ़ी को धैर्य के साथ काम करना होगा और उनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे पहले वो अपने अंदर छिपी प्रतिभा को परखें और उनका जो मन करता है, उनके मन में जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित होकर कार्य करें। निश्चित तौर पर यह समझ लीजिए कि बेरोजगारी तो है, इसमें कहीं से कोई दो राह नहीं है, लेकिन उस दंश से वो मुक्त हो पाएंगे। सपने जब तक देखेंगे नहीं, सपनों को पूरा करने के लिए यह समझ लीजिए कि बड़ी शिद्दत से लगना होगा, तो उससे उनके समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी युवा पीढ़ी के अंदर बहुत बहुत अबाध शक्ति और साहस है, उसको वो पहचाने और पहचान कर ऐसे पथ को चुने जो उनकी हाबी है, जिसमें उनका मन लगता है। मनोयोग से कोई भी काम करेंगे तो यह समझ लीजिए कि वो बहुत फलक पर पहुंच जाएंगे। सर, उनके लिए कुछ नगमे हो आपके, दो शब्द? देखिए, कुल मिला के जो युवा पीढ़ी है, प्रेम में भी आप देख रहे होंगे, आज चूंकि वैलेंटाइन डे का दिन है और इसमें बड़ी हताशा है और कहीं न कहीं से प्रेम में त्याग और समर्पण की बात होती है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी प्रेम को दूसरे रूप में ले रही है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी जान भी ले लेते हैं। अभी देखिए, हाल में एक घटना हुई दिल्ली में, उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये प्रेम की निशानी नहीं है। प्रेम में तो आदमी खुद कुर्बानी देता है, प्रेम में बहुत त्याग करता है। और अगला, आपसे प्रेम करे चाहे ना करे, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए इस तरह की घटना, इस तरह का वारदात होना नहीं चाहिए। मैं एक गीत लिखा हूं, गीत के कुछ बंद निवेदित करता हूं कि मैं तेरी उम्मीदों पे जीता और मरता हूं, मैं तेरी उम्मीदों पे जीता और मरता हूं, मैं तेरी उम्मीदों पे जीता और मरता हूं, तू जो माने ना माने तुझसे प्यार करता हूं, तू जो माने ना माने तुझसे प्यार करता हूं। ये चीजें होनी चाहिए कि आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपसे प्रेम करे चाहे ना करे, वो समर्पण वो त्याग आज की युवा पीढ़ी को अपनाना होगा और प्रेम को समझना होगा। प्रेम के बिना जीवन बहुत अधूरा रहेगा, सूना सूना सा लगता है, लेकिन प्रेम में त्याग और समर्पण, वह प्रेम चाहे जिससे भी हो, किसी से, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, प्रेम में सकारात्मकता होनी चाहिए और इससे जीवन बहुत सुखमय होगा। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। जैसे कि सर ने बताया कि आज का जो प्रेम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं समाज को एक दूसरे दिशा की तरफ लेके जा रही है। हमें पुनः पहले
सर ने अपने स्वरों के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से, गाने के माध्यम से सीधा सीधा दर्शा दिया कि प्रेम वह होती है जिसे पूजा जाता है। यानी कि जिस तरह से वैलेंटाइन आज मनाया जा रहा है, तो वैलेंटाइन का राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था, जिसने अपने देश में रोम में एक वो कहा था कि जो भी शादी करते हैं उनकी बुद्धि जो होती है भ्रष्ट होती जाती है, और इसी की वजह से अपने सैनिकों और वहाँ के लोगों को शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वैलेंटाइन, संत वैलेंटाइन ने इसका विरोध किया और कई सैनिकों का वहाँ शादी विवाह करवाया, जिसकी वजह से उन्हें काल कोठरी में बंद करा दिया जाता है। और जहाँ पर बंद होता है वहाँ के जेलर की बेटी जो होती है वो अंधी होती है। उसने कहा तुम संत हो, तुम मेरी बेटी को सही कर सकते हो। उसने, संत वैलेंटाइन ने अच्छे और प्रेम से, दिल से ईश्वर से प्रार्थना की और उसकी बेटी का आँख जो है सही हो गया और पुनः देखने लगी। तो सबसे पहले वैलेंटाइन को देखने के लिए जेल गई, जहाँ देखते ही देखते वैलेंटाइन, संत वैलेंटाइन और उस लड़की से प्यार हो गया, जो पता चलते ही राजा ने सीधा उन्हें फांसी की सजा सुनाई। लेकिन मरते मरते तक उन्होंने अपने प्रेमिका के लिए एक पत्र लिख कर गया, जो सर ने बताया कि योर वैलेंटाइन, जिसके लिए आज पूरे देश में वैलेंटाइन मनाया जाता है। युवा वर्ग के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी आज के दिनों में आज के इस वैलेंटाइन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़, और सर जी के गीत और सर जी के शब्दों को लेकर क्या आपकी राय है ज़रूर रखें। तो देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़, बने रहें, धन्यवाद।